47 ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने बजट भाषण के दौरान किया था। भारत को अमृत काल में आजादी के जब 100 वर्ष पूर्ण होंगे 2047 में, तो विकसित भारत बनाने की के रोड मैप को तैयार करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को हम विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनाएं, इसके लिए एक रोड मैप, क्लियर रोड मैप आने वाले दशकों के लिए तैयार करने के लिए हमने कमिटमेंट किया हुआ है और इसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। इसमें जनता जनार्दन की भी भागीदारी, कृषक हो, युवा हो, नारी शक्ति हो, प्रबुद्ध जन हो, व्यापार करने वाले हो, मजदूर हो, वनवासी भाई हो, आदिवासी समाज के भाई हो, सभी लोगों को हमने सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है और सभी के सहभागिता से यह सुनिश्चित होगा। सर, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, महिलाओं के लिए भी आपकी सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अभी अमृतकाल में क्या ला रहे हैं? देखिए, अमृत काल तो एक विजन डॉक्यूमेंट होगा, एक रोड मैप होगा 2047 तक कैसे विकसित छत्तीसगढ़ बने। सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ माताओं बहनों की दृष्टि से बहुत ही समृद्धि और शक्तिशाली सशक्तिकृत प्रदेश है। यहाँ के आदिवासी समाज के कल्चर में भी सेक्स रेशियो जो लिंगानुपात है वो 1000 से ऊपर है। ऐसी स्थिति में ये छत्तीसगढ़ के एक अलग सशक्तिकृत स्थिति को बताता है। छत्तीसगढ़ के पंचायती राज एक्ट में भी 50% से अधिक का 50% का आरक्षण है। जो हमारी सरकार है वो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को लाभान्वित कर रही है। वो बहुत जो हमारी सरकार ने रेडी टू ईट के काम को स्व सहायता समूहों को देने का भी अपने हमारा संकल्प पत्र है उसमें घोषणा किया हुआ है। तो लखपति दीदी बनाना, ड्रोन दीदी बनाना, इन सब पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया है कि महतारी सदन का निर्माण करके के नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस सभी पैमानों पर काम कर रही है क्योंकि समाज का आधा हिस्सा विकास में तेजी से आगे बढ़ सके, इसके लिए सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में समर्पित है। सर, युवा छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए क्या परिदृश्य की सोच इस बात में आई है, क्या सुझाव है? जो युवा आबादी है वो भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवा साथियों की है। भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा कि नहीं, ये युवाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। युवा को अगर हम सही तरीके से एजुकेशन दे पाए, उनको स्किल्ड कर पाए, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने लायक बना पाए, तो भारत निश्चित रूप से सुपर पावर बन पाएगा। इस दृष्टिकोण से 2047 तक युवाओं के लिए आवश्यक नीतियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार की जाएंगी। दोनों होंगे, हर तरह की चीजें, एजुकेशन, स्किल, उनका चाहूं और उनका टैलेंट में उनको इवॉल्व कर सके अपने आप को, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपने आप को स्थापित कर सके, इस तरह की स्किल सेट्स प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। आगे हमें भी सौगात मिली है युवाओं को, और जो बहुत जल्द इसका लाभ युवाओं को मिलने वाला किस प्रकार? नवा रायपुर में हम लोग बहुत तेजी से प्रयास कर रहे हैं कि IT सेक्टर की शुरुआत हो सके, इसके लिए बहुत समर्पण के साथ काम चल रहा है और मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ कि आने वाले चंद महीनों में ही काम दिखने लग जाएगा और युवा भाई बहनों को जो बहुप्रतीक्षित कई दशकों से डिमांड थी कि IT सेक्टर आना चाहिए, उसमें भी हम शायद सफल हो पाएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे। संगठन उथल-पुथल चल रही है, सत्ता के साथ तालमेल की कमी है। कांग्रेस को आरोप लगाने के अलावा कोई काम रह नहीं गया है। कांग्रेस एक डूबती नाव है, दहाई के अंक पे इनका राष्ट्रीय रिजल्ट आता है और उसी में खुशी के मारे झूम जाते हैं। इनकी स्थिति आप खुद समझ सकते हैं, ये जय भीरू में नहीं बना पाए, ये दूसरों पर आरोप लगाते। भारतीय जनता पार्टी एक फैमिली है।